नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरम सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस हमारे ये शॉर्ट वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऐसे विषय जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में हैं, जिनके विषय में आपको जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपकी जागरूकता का स्तर बढ़ सके। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी इससे पहले भी हम पिछले वीडियो में चर्चा की थी, एआई थेरेपिस्ट की। एआई थेरेपिस्ट हमने जानने का प्रयास किया था। अब बात आती है एआई साइकोलॉजिस्ट की। जो थेरेपी देता है वही क्या है, साइकोलॉजिस्ट होता है। तो एआई साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, आजकल ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैसे तो परंपरागत तौर पे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर लोग उनसे मिलते हैं और सलाह लेते हैं। लेकिन एआई थेरेपी के दौरान ऐसे कई सारे चैटबॉट, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जो एआई थेरेपिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं। तो एआई थेरेपी की सेवा देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं को ही एआई साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है रेप्लिका। रेप्लिका एक ऐसा पहला एआई साइकोलॉजिस्ट है, प्लेटफॉर्म है, जो एआई का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को, आम जनता को, लोगों को सेवाएं देता है, जो इसकी साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं चाहते हैं, एआई थेरेपी चाहते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, एप्लीकेशन का नाम वो है रेप्लिका, जिसकी फाउंडर है जेनिया, याद रखिए, जेनिया गुंडे, ठीक है, याद रखिएगा, जेनिया गुंडे इनका नाम है, जिन्होंने रेप्लिका नाम के एक एआई थेरेपिस्ट का इजाद किया है, एक डेवलप किया है, एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। तो एआई साइकोलॉजिस्ट कौन हुए? एआई थेरेपी देने वाले ऐसे चैटबॉट, ऐसी एप्लीकेशन जो एआई सेवा अपनी थेरेपी देते हैं या आपके मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं अपने ग्राहकों को, उससे हम एआई साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है रेप्लिका, ठीक है, याद रखिएगा, किसका नाम है, रेप्लिका, सबसे फेमस आजकल चैटबॉट चल रहा है मार्केट में। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए आरम सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मिलते हैं अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।